मैंने तो बहुत ज्यादा ही बर्गर खा लिया है। मैं अभी 2 मंथ तक तो नहीं खाऊंगी ये बर्गर बर्गर। शेयर करने वाली हूँ आई एट बर्गर्स फॉर 24 आवर्स एंड सॉरी फॉर नॉइस क्योंकि बहुत ज्यादा काम चल रहा है आस पर, उसमें बहुत ज्यादा काम चल रहा है इसलिए बहुत ज्यादा आपको नॉइस सुनाई देगी। पर मैंने क्यों इतना मुझे लेट हुआ फिल्म करने के लिए मैं बताती हूँ। तो मैं गई थी बर्गर प्रिपेयर करने के लिए क्योंकि मैं करने वाली हूँ आई एट ओनली बर्गर फॉर 24 आवर्स। तो इसके लिए मैं बर्गर प्रिपेयर करने गई थी एंड मैं गई थी 10 बजे एंड अभी बज रहा है 11। जिस बर्गर को बनाने में 10 मिनट्स लगता है उस बर्गर को बनाने में मैंने 1 घंटा लगा दिया है। सीरियसली जाओ जाके देखो कि मैंने बर्गर कैसे बनाई है। यहाँ पर मैंने लिया है स्मैश पोटैटो एंड क्रश बिस्कुट एंड मैंने यहाँ पर तेल गरम किया है एंड ये बड़ा सा गोल टाइप से ऐसा बनाया हुआ है। उसके बाद बिस्कुट में भिगोया नहीं है मतलब थोड़ा सा लगाया हुआ है। उसके बाद फ्राई किया है। यहाँ पर आपको बेसन या कुछ देना पड़ता है पर मुझे नहीं पता था इसलिए थोड़ा सा हादसा हो गया है। उसके बाद उन्हें बहन आके इसको अच्छे से आलू टिक्की बर्गर बना दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। क्योंकि उसको कुकिंग के बारे में सब कुछ आता है मुझे उतनी अच्छे से नहीं आता है तो यहाँ पर मेरी बहन बना रही है एंड ये रहा मेरा बर्गर जो कि बहुत ही यम्मी लग रहा था देखने में एज यू कैन सी। तो गाइस यहाँ पर है मेरा बर्गर एंड मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड करी हूँ मेरा वॉइस क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है। तो ये रहा मेरा बर्गर जो कि है आलू टिक्की वाला बर्गर एज यू कैन सी गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा है। तो फाइनली इसको टेस्ट करके देखते हैं एंड मुझे माइक यहाँ पर ही रखना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा ही नॉइस हो रहा है। कैसे पकड़ूँ मैं इसको। ओके तो ये रहा बर्गर जो कि है इसका फर्स्ट बाइट खाते क्योंकि ऑनेस्टली गाइस मुझे बहुत लेट हो रहा है ब्रेकफास्ट के लिए क्योंकि मुझे सुबह सुबह तो यार कोई बर्गर लाके नहीं दे सकता है ना तो इसलिए मैंने खुद ही बनाया हुआ है पर हादसा हो गया है क्या कर सकते हैं। तो एक बाइट खाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड में रखती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा पानी एंड ये ख़त्म करना है। हाँ क्योंकि मेरा ऑनलाइन क्लास है तो मुझे जाना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास था इसलिए मुझे लेट हुआ एंड अभी भी ऑनलाइन क्लास है इसलिए मुझे ऑनलाइन क्लास करते करते ही ये वाला फिनिश करना पड़ेगा। तो या मैं मिलूँगी आप लोगों से लंच में। देखते हैं लंच में कुछ बाहर से मैं ऑर्डर कर सकती हूँ आई डोंट नो क्योंकि हम लोग जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है या जो स्कूल गोइंग गर्ल्स है उसका तो पॉकेट मनी गया क्योंकि सब कुछ स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है इसीलिए। तो हाँ मैंने ट्राई किया ही वाली चैलेंज फुल करने की। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज़ पूरा वीडियो के एंड तक देखना। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से लंच में। टिल देन टाटा। गाइस एंड वेलकम बैक एंड मैं लेकर आ गई हूँ मेरा लंच जो कि होगा ऑब्वियसली बर्गर। और मैंने मंगाया है चिकन चीज़ी बर्गर आई थिंक ऐसा कुछ नाम था मैंने मंगाया हुआ है एज यू कैन सी गाइस। एंड यहाँ पर बहुत सारा चीज़ है मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। ये रहा चीज़ आपको दिख रहा है कि मुझे पता नहीं है एक मिनट मैं इधर से दिखाती हूँ आपको। एज यू कैन सी गाइस बहुत ज़्यादा ही चीज़ है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा आई होप खाने में लगेगा पर बहुत ज़्यादा महंगा मुझे पड़ा है ये वाला बर्गर। सीरियसली बहुत ज़्यादा महंगा मुझे पड़ा है। अगर आपको ऐसा चैलेंज वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं मोमो खाऊँ फॉर 24 आवर्स तब भी मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा।
तो हाँ ये अभी मैं खाने वाली हूँ फॉर माई लंच, तो ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रही हूँ, तो एक बाइट लेके देखते हैं। इट्स अमेजिंग। यार चीज लग गया। ओके रा और एक बार। ये रहा मेरा लास्ट बाइट। चीजी। तो गाइस फाइनली मैंने कर लिया है मेरा लंच को फिनिश, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से इवनिंग स्नैक्स में। तो या अब तक के लिए टाटा, इवनिंग स्नैक्स में मिलती हूँ आप लोगों से, टाटा। हाय गाइस गुड इवनिंग, एंड अभी मैं फिर से आ चुकी हूँ बर्गर खाने के लिए। सीरियसली गाइस मुझसे और बर्गर नहीं खाया जा रहा है, लाइक मुझे बर्गर लाइक ओके लगता है, मतलब उतनी ज़्यादा भी पसंद नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रही हूँ क्योंकि लाइक एक फ़ैन ऑफ है, पता ही होगा आपको यूट्यूबर के लिए फ़ैन ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहा जो बर्गर जो कि मैंने बनाए हैं, मैंने घर में ही बनाए हैं ये वाला बर्गर। तो हाँ एंड मैं थोड़ी देर बाद जाने वाली हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला कि मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया है, मैं बाहर डिनर करने वाली हूँ। स्ट्रीट फूड जो कि है, स्ट्रीट बर्गर जो होता है वो मैं लेकर आने वाली हूँ, एंड वो बहुत ही सस्ता मिलता है। वो मुझे लंच के टाइम लेग पड़ा था, उससे मैं बहुत सारा बर्गर खरीद सकती हूँ, लाइक लिटरली क्या बोला मैं, छोड़ो। तो हाँ अभी मैं खाने वाली हूँ ये, एंड आई डोंट थिंक कि मैं ये पूरा ख़त्म कर पाऊँगी, आई डोंट थिंक, देखते हैं क्या होता है। मैंने डन कर लिया है, एंड मैं मिलूंगी आप लोगों से डिनर में, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में बाहर जाने वाली हूँ। तो हाँ तो मैं मिलूंगी आप लोगों से, ठीक मिलूंगी डिनर के टाइम। एंड अगर आप इसको एंजॉय कर रहे हैं वीडियो, प्लीज डू लाइक गाइस, एंड किस किस को बर्गर खाना पसंद है नीचे कमेंट कर। मैंने तो बहुत ज्यादा ही बर्गर खा लिया है, मैं अभी 2 मंथ तक तो नहीं खाऊंगी ये बर्गर। तो या मैं मिलती हूँ आप लोगों से डिनर के टाइम, तो या टाटा। मेरा डिनर अभी रेडी है, सॉरी फॉर ये वाला वियर्ड फेस, क्योंकि यू नो मैं थोड़ा सा ऐसे बैठती हूँ, ठीक है ना। हाँ अभी ठीक है, सॉरी फॉर वियर्ड फेस, क्योंकि मैं अभी अभी बाहर से आई हूँ, एंड मेरे में इतना दम नहीं है कि मैं फिर से जाऊँ उसके बाद फिर से मेकअप करके बैठूँ। तो हाँ मैं ऐसे ही रहती हूँ, तो ऐसे ही मैं चली आई। तो चैलेंज की एकदम लास्ट में मैं आ चुकी हूँ, एंड मैंने लिया हुआ है ये चिकन बर्गर जो कि मैंने मंगाया है। आपको कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर यही मिलता है ज्यादातर। यहाँ से मैं थोड़ा सा लूंगी सॉस, पेट तो पूरे फुल ही फुल है। एक बाइट खाते हैं। डन हो गया है सब कुछ ठीक ठाक, एंड मैंने कर लिया है 24 आवर्स बर्गर चैलेंज। आई होप आप लोग की वाली वीडियो पसंद आएगी। इफ यू लाइक इट प्लीज
अभी टूट जाता ही है। इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।